क्या उसकी मौत हो गई है? अगर नहीं तो वो आखिर है कहाँ? 2 महीने हो गए उसका चेहरा देखे, क्या वो कभी घर लौटेगा भी? इन सभी सवालों के साथ कुछ लोग अपने परिवार के एक सदस्य को ढूंढने के लिए एक 14 साल के बच्चे के पास पहुंचे। उस बच्चे ने उन्हें 1 घंटे तक अपने सामने बैठा कर रखा और उस लापता आदमी के बारे में अपनी किताबों में कुछ पढ़ता रहा। और फिर उस बच्चे ने बिना किसी झिझक के कहा, 14 जुलाई 2019 को वो घर लौटकर आएंगे। उसने ये भी बताया कि वो लापता इंसान उसी शहर में किसी नदी के आसपास है। ये सब सुनकर वो लोग अपने घर लौट गए और फिर 14 जुलाई 2019 सुबह 9:30 बजे वो आदमी, जिसका 2 महीने से कोई पता नहीं था, सही सलामत अपने घर लौट आया। लेकिन उस बच्चे को ये सब कैसे पता था? उसने उस इंसान के लौटने की तारीख इतनी एक्यूरेटली कैसे प्रेडिक्ट कर ली? आखिर उसके पास ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन थी? ये कोई मामूली 14 साल का बच्चा नहीं, बल्कि एक ज्योतिष था, जिसने सिर्फ उस इंसान की डेट ऑफ बर्थ और टाइम जानकर उसका एक ऐसा चार्ट तैयार किया जिससे उसे सब कुछ पता चल गया था। ये एक ऐसा चार्ट था जिससे आप किसी भी इंसान की जिंदगी में होने वाली चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं, भले ही वो उसकी लव लाइफ हो, उसका करियर या उसकी मौत। ये चार्ट था वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिस, बर्थ चार्ट यानी कुंडली। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों से आपका एकदम कनेक्शन बन जाता है और वहीं कुछ लोगों से आपकी बिल्कुल नहीं बनती? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है कुछ पर्टिकुलर चार्ट वाले लोगों की वाइब्स का मैच होना। आपने कुंडली मिलाने के बारे में तो सुना ही होगा, जो अक्सर शादी के टाइम किया जाता है। कुंडली मिलाना रिश्तों को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। हर कुंडली की अपनी क्वालिटी होती है और इन्हीं क्वालिटीज को समझकर हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। और ये क्वालिटीज अलग अलग प्लैनेट से इन्फ्लुएंस होती है। आपकी लव लाइफ अच्छी होगी या बुरी, ये डिसाइड होता है वीनस की पोजीशन से। इसके अलावा सन और मून का प्लेसमेंट भी आपके पार्टनर से आपकी रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है। जैसे माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में सन 7th हाउस में है तो कई बार आपकी रिलेशनशिप में सेपरेशन के चांसेस हो सकते हैं। एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए जरूरी है कि आपके और आपके पार्टनर के प्लैनेट्स का प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ सिंक करे। कुंडली मिलाने में 36 गुणों का भी गहरा महत्व होता है। गुण ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि आपकी कुंडली में प्लैनेट्स और ज़ोडियक साइंस से जुड़ी होती हैं। ये गुण हमारे कैरेक्टर, माइंडसेट और लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपको हमेशा कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। मॉडर्न इंडिया में कुंडली और एस्ट्रोलॉजी को कई बार अंधविश्वास कहकर नकार दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी इंसान की कुंडली बनाने और उसे पढ़कर प्रेडिक्शंस करने के पीछे भी एक टाइप का साइंस होता है, जिसे सीखने के लिए कई सालों तक पढ़ाई करके इस फील्ड में महारत हासिल करनी होती है। लेकिन आखिर कुंडली होती क्या है, इसे एक एग्जाम्पल से समझना होगा। मान लीजिए कि आपका जन्म मुंबई शहर में 5th अगस्त 2000, तो आपकी कुंडली एक ब्लूप्रिंट है जो 5th अगस्त 2001 को शाम 7 बजे मुंबई में मौजूद ग्रहों की स्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। एक कुंडली बनाने के लिए ज्योतिष को केवल आपकी जन्म की तारीख, समय और जगह की जरूरत होती है। इस जानकारी से आपका बर्थ चार्ट बनाया जाता है और यही चार्ट आपकी जिंदगी में होने वाली सभी घटनाओं, समस्याओं आदि की जानकारी देता है। आपका व्यवहार कैसा होगा, आपको करियर में कितनी तरक्की मिलेगी, आपकी रिलेशनशिप्स कैसी रहेंगी, आपकी हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, इन सभी चीजों के बारे में आपकी बर्थ चार्ट को देखकर जानकारी मिल सकती है। आप कई बार न्यूज़पेपर्स में या ऑनलाइन पढ़ते होंगे कि आपकी राशि वाले लोग ऐसे होते हैं, लेकिन अगर आप में वो ट्रेट्स हैं ही नहीं जो आपकी राशि के साथ जोड़े जाते हैं तो? और इसलिए कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे ये राशि से कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल कुंडली में सिर्फ एक राशि आपके ट्रेट्स डिसाइड नहीं करती है, बल्कि इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, द बिग 3, सन साइन या ज़ोडियक साइन, मून साइन और राइजिंग साइन। ये तीनों चीज़ें आपके बारे में सब कुछ तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकती,
लेकिन आपके कैरेक्टर, आपकी वाइब्स और आपके लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं। आपके बर्थ के टाइम पर सन की क्या पोजीशन थी उस पर आपका सन साइन बेस्ड होता है। सन हर 30 दिनों में अपनी पोजीशन बदलता है और इसलिए इन 30 दिनों में जन्म लेने वाले लोगों की राशि एक ही होती है जिसका होरोस्कोप या राशिफल हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं या दुनिया के सामने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये सब आपके सन साइन से डिसाइड होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक महीने में जन्म लेने वाले सारे लोग एक तरह के नहीं होते। सबके इमोशंस, डिज़ायर्स और बिलीव्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और ये सब डिसाइड होता है आपके मून साइन से। मून हर 2.5 दिनों के बाद अपनी पोजीशन बदलता है, तो आपके जन्म के समय मून की क्या पोजीशन थी उससे आपका मून साइन डिसाइड होता है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो मून की ग्रेविटी का असर हमारी वाटर बॉडीज पे बहुत गहरा होता है। समुद्र की लहरें भी इसी ग्रेविटी का रिजल्ट होती हैं और ऐसे ही मून का असर आपके मूड, आपके इनर सेल्फ को भी अफेक्ट करता है। सन साइन और मून साइन के अलावा एक और चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है और वो है आपका राइजिंग साइन, जिसे लग्न के नाम से भी जाना जाता है। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय पूर्व की दिशा में कौन सी राशि थी, इसी से आपका राइजिंग साइन डिसाइड होता है। ये हर 2 घंटे में बदलती है और यही आपकी उन क्वालिटीज़ को डिसाइड करती है जो दुनिया को नज़र आती है। यानी कि किसी से मिलने पर आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन बनता है वो आपके राइजिंग साइन की वजह से होता है। कुंडली में ज़्यादातर चीज़ें ग्रहों से ही जुड़ी होती हैं। एक बर्थ चार्ट को 12 हिस्सों में बांटा जाता है और इन 12 हिस्सों को भाव या हाउस कहा जाता है और हर भाग में स्पेसिफिक राशि और प्लैनेट्स को प्लेस किया जाता है। इन्हीं सब एलिमेंट्स को मिलाकर एक इंसान का बर्थ चार्ट या कुंडली बनाई जाती है। आपके जन्म के अनुसार राशि और प्लैनेट्स की पोजीशन बदलती है और इसी वजह से हर इंसान की कुंडली अलग अलग होती है। इस चार्ट का एनालिसिस करके ही एस्ट्रोलॉजर्स आपकी लाइफ के बारे में काफ़ी एक्यूरेटली चीज़ें प्रेडिक्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या ग्रहों की पोजीशंस का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? आज क्वांटम फिजिक्स जैसी चीज़ों ने हमें दिखाया है कि इस दुनिया में कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से हर प्लैनेट हमसे जुड़ा हुआ है और हमारे बिहेवियर और लाइफ को अफेक्ट करता है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि आपका बेटा मांगलिक है, ये शादी तो नहीं हो सकती। इसके प्रभाव से बचने के लिए आपके बेटे को एक पेड़ से शादी करनी होगी। तो ये कैसे पता चलता है कि आप मांगलिक हैं या नहीं? मांगलिक होने का मतलब क्या होता है? मांगलिक होना यानी आपकी कुंडली के कुछ स्पेसिफिक हाउसेस में से किसी एक में मंगल प्लेस्ड है। मंगल यानी मार्स प्लैनेट। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टोटल 9 प्लैनेट्स को ध्यान में रखा जाता है जिसमें सन और मून भी शामिल होते हैं। ये 9 प्लैनेट्स अपनी प्लेसमेंट से आपकी लाइफ में नेगेटिव या पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालते हैं। जैसे अगर शनि ग्रह यानी सैटर्न प्लैनेट आपके 7th हाउस में प्लेस्ड है तो आपको अपनी लाइफ और रिलेशनशिप्स में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। शनि के इफेक्ट्स आपको 7.5 या महादशा के टाइम में एक्सपीरियंस करने पड़ सकते हैं। अगर आप इस बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देखिए। प्लैनेट्स के अलावा एक और ऐसी चीज़ है जो आपकी कुंडली में अचानक बदलाव लाती है, एक्लिप्स यानी ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपकी कुंडली में मेजर चेंजेस लाते हैं जो कि बड़े लाइफ इवेंट से जुड़े होते हैं, जैसे अचानक कोई खतरनाक बीमारी हो जाना, शादी का टूट जाना या अचानक से बहुत सारा पैसा आ जाना। देयर आर मोर थिंग्स इन्वॉल्व्ड, एज आई सेड, 9 ग्रहस 12 हाउसेस गवर्न एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। लोग कई बार कुंडली और एस्ट्रोलॉजी को सुपरस्टिशन मानकर नकार देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कुंडली देखना कोई स्यूडोसाइंस या सुपरस्टिशन नहीं है, बल्कि इसके पीछे सच में कुछ लॉजिक्स हैं जो कि बनते हैं कुछ स्पेसिफिक प्लैनेट्स और साइंस की पोजीशन से। कई बार लोग कुंडली मिलाने को ये कहकर भी हटा देते हैं कि हमारे वेदों में इसका कोई मेंशन नहीं है, पर यह समझना ज़रूरी है कि वेदों में हमारी परंपरा और संस्कृति की कहानियाँ हैं, हमारे रिचुअल्स का प्रेजेंटेशन है, जबकि एस्ट्रोलॉजी खुद में एक शास्त्र है, एक साइंस है।
कुंडली का सही नॉलेज और उसका साइंटिफिक एनालिसिस हमें ये बताता है कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक स्पेशल साइंस जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही अनसुनी अनदेखी अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।